जिस ग्रंथ के आश्रय में यह सत्संग संपन्न होगा उनका नाम है श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस जन जन में लोकप्रिय हैं। प्रभु श्री राम के पावन चरित्र का मानस सर है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। ये सर इतना अद्भुत है कि इसमें हंस भाविक भागवत जन ही अवगाहन करने, दर्शन करने उपस्थित होते हैं। बाबा ने बड़ा ही सुंदर कहा है, अति खल जे विषयी बक कागा तेहि सर निकटन जाहि अभागा। अब हम लोग क्यों किसी को भाग्यशाली या भागा कहे, अपनी बात। हम आप सौभाग्यशाली हैं कि इस दिव्य मानस सर में अवगाहन करने, स्नान करने, दर्शन करने का सौभाग्य सुलभ हुआ है। जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एकत्र होते हैं तब उसकी भगवत भाव में, भगवत भजन में, भगवत कथा में रुचि होती है। सबकी रुचि विचित्र है, मनु जी महाराज कहते हैं हर जीव की अपनी अपनी रुचि है और हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार व्यवहार करता है, विहार करता है। जिसकी जो रुचि हो, आपकी रुचि है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवान हो, रुग्ण हो, स्वस्थ हो, हर व्यक्ति की जीने में अपनी रुचि है, हर व्यक्ति जाने में अपनी रुचि है, हर व्यक्ति को सोचने की भी अपनी रुचि है। सभी व्यक्ति एक बात नहीं सोच सकते, सभी व्यक्ति एक प्रकार विहार में नहीं जी सकते। बाबा ने उत्तरकांड में कहा, एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुणशील अचारा। हमारी भजन में रुचि है, किसी की सत्संग में रुचि है, किसी की कीर्तन में रुचि है, किसी की यज्ञ में रुचि है, किसी की साधना में रुचि है, किसी की सहयोग में रुचि है। हर व्यक्ति अपने जन्माद्य संस्कार से आबद्ध है, बंधा हुआ है। स्थान स्थान पर विषय वस्तु उपस्थित होगी, तब हम आप स्मरण करेंगे। श्री रामचरित मानस जी भगवान श्री राम का पावन चरित्र रूपी मानसरोवर हैं। जिस मनुष्य के चित्त में मेरे राम जी का चरित्र अवस्थित हो जाता है, उसके विहार में उपस्थित हो जाता है, वो राम जी जैसा हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, मैं पुरुषों में उत्तम पुरुष, मर्यादित पुरुष, राम स्वरूप हूं। मैं ही श्रेष्ठ में श्रेष्ठतर नहीं, श्रेष्ठतम हूं। कौन नहीं चाहता है कि हम सबसे उत्तम हो जाएं, लेकिन जो चाहता है वो हो जाता है। चाहने से ही सब कुछ होता है, जो चाहेगा वही बनेगा, जो नहीं चाहेगा जहां है वहां रहेगा। मानस जी में 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। बालकांड में भगवान की श्रृंगार लीला है, अयोध्या कांड में भगवान की त्याग लीला है, अरण्य कांड में निर्विकार लीला है, किष्किंधा में सहकार लीला है,
सुंदरकांड में भगवान की परिष्कार लीला है। युद्ध कांड जिसका नाम लंका कांड है, इसमें भगवान की ऐश्वर्य से अंधकार और अहंकार के विसर्जन की लीला है कि हमारे जीवन में अहंकार अंधकार किस स्तर पर रहना चाहिए और नहीं, तो भगवान के ऐश्वर्य के प्रभाव और प्रताप से यह अंधकार और अहंकार मिट ही जाएगा। जब अहंकार और अंधकार समाप्त होता है तब जीव को भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान की सहज साक्षात्कार लीला है, इसका नाम है उत्तरकांड। किसी भी कांड में अनजाने में नहीं जानकर जो लपटाए जाए, जो रम जाए, जो डूब जाए, रसाप्लावित हो जाए, रससिक्त हो जाए, उस पर भगवान की अहेतुकी कृपा स्वतः उपस्थित हो जाती है, बिना चाहे हो जाती है। अच्छी बात है, हम आप सुनेंगे, समझेंगे, गाएंगे। बाबा ने कहा है, सुन समुझे हैं जन्म उदित मन, अब मज्जे हैं अति अनुराग, लहें चारि फल अक्षत तनु साधु समाज। संत समाज रूपी, साधु समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग की दिव्य त्रिवेणी में जो स्नान करे, अवगाहन करे, वो शरीर रहते अक्षत तनु धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति कर लेता है। धर्म क्या? धर्म साधन होने लगेगा। जब धर्म साधन होगा तो अर्थोपार्जन स्वतः हो जाएगा, अर्थ भी धर्म समन्वित होकर आने लगेगा। धर्म समन्वित अर्थ आवेगा तभी सुख की अभिवृद्धि होगी, नहीं तो बड़ा कष्ट है। अब धर्ममय अर्थ से जब सुख की अभिवृद्धि होगी तो जीव चाहे भक्ति ले ले, चाहे मुक्ति ले ले, उसको दोनों सुलभ हो जाए। इसलिए लहें चारि फल अक्षत तनु साधु समाज।